हेलो फ्रेंड्स, लाल लाल टमाटर देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज की रेसिपी क्या है। तो आज हम बनाएंगे सभी का फेवरेट विंटर स्पेशल। बच्चों को भी पसंद आता है, बच्चों का फेवरेट होता है, बड़ों का भी फेवरेट होता है टमाटो सूप। तो उस टमाटो सूप के लिए हमने ले लिए हैं 1 kg लाल टमाटर, जो थोड़े से हरे होते हैं, येल्लो होते हैं, वो वाले टमाटर हमें यूज़ नहीं करने। उसे हमने अच्छे से कर लिया है वॉश, और उसके बाद हम उसको कुकर में उबालते हैं। आप किसी बर्तन में भी उबाल सकते हैं, खुले बर्तन में लाइक भगोने में, या फिर आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। बट मैं कुकर में इसको उबालूंगी इन टमाटर को, और अच्छे से वॉश कर लिए। जितने टमाटर हैं उसी क्वांटिटी में आपको पानी भी लेना है, कम या ज़्यादा नहीं करना। मीनिंग जितने टमाटर हैं वो सब उसके अंदर डिप हो जाने चाहिए पानी के अंदर, देख सकते हैं। और अब इसको हम लगा देते हैं ढक्कन, और इसके अंदर आएगी 2 या 3 सीटी, जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से। तो अब हम चेक करते हैं हमारे जो टमाटर हैं वो उबल गए हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं जो उसके ऊपर का छिलका है वो अलग हो गया है। तो हमें यही वाला टेक्सचर चाहिए, ना इससे कम ना ज़्यादा, वो बिल्कुल भी नहीं कि बिल्कुल वो हलवा हो जाए, टमाटो सूप की जगह टमाटो हलवा हो जाए। और इन सबको हमने प्लेट में निकाल लिया, और इसको आप चाकू से हाफ कट करके इसको जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको पंखे की हवा में रख दीजिए, 10 से 15 मिनट में बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद आप इसका छिलका ऐसे उतार दीजिए। अभी गरम गरम मैं उतार रही हूँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आप इसको ठंडा करके उतारिएगा। मुझे थोड़ी सी जल्दी है इसीलिए मैं स्पीड में कर रही हूँ। और ये मैंने सभी टमाटर के जो है वो छिलके उतार दिए, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन प्यूरी बनानी है इसकी। और उसके बाद हम इसके अंदर बटर भी यूज़ कर सकते हैं और देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है हमको। और ये रहा, मैंने बना लिया, जो उसका पानी था वो मैंने इस भगोने में मिक्स कर लिया। इन दोनों को अच्छे से इसमें एक बॉयल आने देंगे, और विंटर में ये बहुत अच्छा रहता है गरम गरम पीने के लिए, और बहुत हेल्दी होता है, और इसको टेस्टी तो हम बना ही देते हैं। और ये थोड़े सा पीली और थी वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली है। और जब तक इसमें एक बॉयल आता है हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं एक कढ़ाई, और ये थोड़े से ब्रेड मैंने कट करके इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें, अगर आपको पसंद है खाना सूप में डालकर तो आप ये बनाइए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दीजिए। मैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही, और इसे अच्छे से हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। और ये देखिए हो गए, और इनको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इधर जो है टमाटो सूप अच्छे से बॉयल हो चुका है, और इसमें हम डाल लेते हैं काली मिर्च पाउडर, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कम या ज़्यादा आप स्वाद अनुसार इसमें ऐड करिएगा। रेसिपी बहुत इजी है, टेस्टी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसको कर लेते हैं हम सर्व। ये मैं कर रही हूँ सर्व, मैं 2 बाउल में लूँगी, क्योंकि मुझे एक में करना है क्रीम से गार्निश और एक में सिंपल देसी घी ऐड करना है। तो चलिए, जो क्रीम होती है जो दाल मखनी में हम यूज़ करते हैं वही फ्रेश क्रीम मैं एक सूप में यूज़ करूँगी, एक ले लेते हैं स्पून में। और उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए, टेक्सचर करने के लिए थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको डिज़ाइन कर देंगे, जैसे जलेबी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी है जलेबी का डिज़ाइन, बट टेस्ट आएगा सूप का, क्योंकि सूप ही बनाए। और उसके बाद अगर आप इसके अंदर ऊपर से काली मिर्च डालना चाहें तो वो ऑप्शनल है, मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दी थी इसलिए मैं ऊपर से नहीं डालूंगी। और ये है देसी घी, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 अलग अलग सूप हैं, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। रेसिपी बहुत इजी है, रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय टमाटो सूप।